उपमंडल सुंदरनगर के तहत आने वाली ग्राम पंचायत छात्र का एक प्रतिनिधि मंडल ग्राम पंचायत प्रधान मीना देवी के नेतृत्व में SDM सुंदरनगर से मिला और पंचायत की जनता को पेश आ रही समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। प्रधान मीना देवी ग्रामीणों में विनोद कुमार राजकुमार, नरोत्तम राम शशि कुमार, राजकुमार संजय, निशा सत्या, तारा देवी महिला मंडल संगाहन के सदस्यों समेत अन्य तमाम पंचायत की जनता का कहना है कि इस क्षेत्र के कुछ शरारती तत्व इस ओर से जा रहे हैं, मार्ग को बाधित कर दिया है और रोड नहीं निकलने दिया जा रहा है, जबकि उनके पूर्वजों ने गांव को रोड से जोड़ने के लिए स्टाम्प पर लिखकर ग्राम पंचायत को अनुमति दी थी कि इस जमीन से होकर गांव के लिए सड़क निकाल दी जाए, लेकिन जब सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो पूर्वजों के बेटों ने सड़क निकालने की बजाय बंद कर दी, क्योंकि वे बुजुर्ग तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक नेक कार्य में उनके बेटे रोड़ा बने हुए। और इसके चलते ग्राम पंचायत छात्र का विकास ठप हो गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के व्यक्ति ने अपने घर के पास से सड़क नहीं बनने दी और इसके साथ रसोई घर में बाल बाउंड्री का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उनको ऐसा करने से रोका तो ग्राम पंचायत प्रधान को गाली गलौज कर दी और गांव के खिलाफ छेड़खाने की शिकायत भी कर दी। मजबूर होकर ग्रामीणों ने पंचायत से आग्रह किए कि जब तक समाधान और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य से जोड़ने के लिए उसे सड़कों को उक्त व्यक्ति के घर पर ही रोक दिया जाए, परंतु उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो उल्टा अपने घर के लिए सड़क मांग कर रहा है और ग्राम पंचायत प्रधान वो ग्रामीण उसके घर के पास से गुजरते हैं, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करता है और जान से मारने की धमकी देता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में इतना दबंग हो गया है कि झूठे केस लोगों के ऊपर बना रहे हैं और उन्हें दबाव बना रहे हैं, लेकिन पंचायत की शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात को लेकर पंचायत की जनता को गहरा मलाल है। इस समस्या का समाधान करने के लिए शासन और प्रशासन से उचित कार्रवाई में रहते जनहित में लाने की मांग की है। सोलन में प्रमोटर्स ऑफ सोशल कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल गॉट टैलेंट ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय किक बॉक्सिंग संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्र मोहन शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वर्गों में प्रदेश भर से आए करीबन 200 कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। नृत्य और योगा पर आधारित विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए और कलाकारों ने खूब बाबाही लूटी। इस मौके पर भारतीय किक बॉक्सिंग संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि हिमाचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो केवल इन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वालों की, लेकिन प्रमोटर्स ऑफ सोशल कल्चर हेरिटेज संस्था इस कमी को पूरा कर रही है। ये संस्था पिछले काफी वर्षों से कलाकारों को मंच प्रदान करने में लगी है, जिससे छुपी हुई प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा है। इसलिए वे चाहते हैं कि और भी संस्थाएं कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए आगे आनी चाहिए, ताकि हिमाचल का कलाकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का लोहा मनवा सके। सोलन में साउथ वेल स्कूल में स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शूलनी विश्वविद्यालय के कुलपति पीके खोसला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। खेल प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि खेल प्रतियोगिताओं में जहां एक ओर विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं बच्चों के अभिभावकों ने भी बच्चों के साथ साथ कई खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपने बचपन की यादों को ताजा किया। अधिक जानकारी देते हुए साउथ वेल स्कूल के फाउंडर ऋषभ चोपड़ा ने बताया कि स्कूल की वार्षिक खेल प्रतियोगिता में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों और अभिभावकों के लिए चेस, कैरम, फुटबॉल और रिले रेस का आयोजन किया, जिसका बच्चों और उनके परिजनों ने खूब आनंद उठाया। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल और बेकर स्टेट ने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा ली है, ताकि सोलन में कोई भी गरीब भूखा न सोए। वे जल्द ही गरीबों के लिए खाना उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब विद्यार्थी रोग और धन के अभाव के कारण अपना अनमोल जीवन न गंवाए, इसके लिए अभिभावक और
स्कूल प्रबंधन ने मिलकर फैसला लिया है कि वे धन को एकत्र करेंगे और जरूरतमंदों की सहायता करेंगे।